गाइस आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो फिर आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको मिस किए बिना नहीं रह पाएगा। गाइस इस वीडियो में आपको जो भी टिप्स बताऊंगा अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो ऐसे में आपकी बंदी या आपका बंदा आपको मिस किए बिना नहीं रह पाएगा और उसकी नजर में आपके लिए इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो भी टिप्स बताऊंगा आपको सिर्फ उन्हें फॉलो करना है, लेकिन गाइस आपको किसी भी टिप्स को ओवर नहीं करना है, क्योंकि गाइस अगर आप ओवर करेंगे तो फिर ऐसे में आपका रिलेशन खराब भी हो सकता है। तो गाइस एक लिमिटेड तक ही यूज करें। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको कौन कौन से टिप्स फॉलो करने हैं जिससे कि आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपको मिस करने के लिए मजबूर हो जाए। सो गाइस पॉइंट नंबर 1, कुछ वक्त के लिए उसे कॉल या मैसेज करना कम कर दो। अब गाइस देखो, मेरे कहने का मतलब कम करना है, ना कि एकदम से बंद कर देना है। अगर आप उसे दिन में 10 बार कॉल किया करते हैं तो ऐसे में आप उसे 5 बार कॉल करें। अगर आप उसे बहुत ज्यादा से ज्यादा बार मैसेज करते थे तो आपको गाइस कम से कम मैसेजेस करने हैं, क्योंकि गाइस आपको ये फील करवाना है कि मैं किसी काम में फोकस कर रहा हूँ, किसी काम के लिए बिजी हूँ, मैं हमेशा अवेलेबल नहीं हूँ। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप उसे ये फील नहीं करवाएंगे कि मैं किसी काम पे फोकस कर रहा हूँ तो ऐसे में वो बंदी आपको भाव नहीं देगी यार। गाइस मैं आपको बता दूं, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो कि प्रेजेंट से ज्यादा फ्यूचर पे ध्यान देती है, इसलिए गाइस अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो लड़की सोचेगी कि ये तो कुछ नहीं कर रहा है, जब हमारी शादी की बात होगी तो ऐसे में मेरे पापा इसे नहीं चुनेंगे क्योंकि ये तो कुछ कर नहीं रहा है, और ये कहकर वो आपको भाव देना बंद कर देगी और वो आपसे रिलेशन खत्म करना चाहेगी। गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ करेंगे तो ही लड़की आपको ज्यादा पसंद करेगी। सो गाइस आप उसे फील कराओ कि आप कुछ काम कर रहे हो, और गाइस मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उसे फील कराओ, गाइस आप काम पे ही ध्यान दो, ये ज्यादा बेहतर होगा। गाइस अगर आप कुछ करेंगे तो ऐसे में वो लड़की तो आपको पसंद करेगी, साथ ही साथ बाद में जब आप उसके पापा से शादी के लिए बात करेंगे तो ऐसे में उसके पापा भी इजीली शादी के लिए एग्री हो जाएंगे, क्योंकि गाइस आप कुछ काम करेंगे, अच्छे सैलरी कमाएंगे, तो ऐसे में कौन नहीं चाहेगा कि वो अपनी बेटी के हाथ आपको दे। गाइस मैं आपको बता दूं, यहां पे पैसा ही सबसे ज्यादा मैटर करता है, सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि गाइस जब भी आप शादी के लिए किसी लड़की के पापा से बात करोगे ना तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि क्या करते हो। सो गाइस इसलिए आपको हमेशा उसे कॉल या मैसेज करके अपना सारा वक्त नहीं बिताना है, आपको किसी काम पे फोकस करना है ताकि आपका दोनों तरफ से ही प्रॉफिट हो सके। सो गाइस पॉइंट नंबर 2, किसी के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। जी हाँ, हमेशा किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। अगर आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो ऐसे में आपकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएंगी और सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी आपको भाव देना नहीं चाहेगी, और साथ ही साथ वो आपको याद भी नहीं करेगी। गाइस मैं आपको बता दूं, हमेशा अवेलेबल नहीं रहने का क्या मतलब है, गाइस अगर सामने वाली बंदी आपको मैसेज करती है और अगर आप तुरंत रिप्लाई कर देते हो, वो मैसेज की नहीं कि आपने मैसेज को ब्लू टिक कर दिया, मैसेज रिप्लाई कर दिया। गाइस अगर आप हमेशा अवेलेबल रहोगे तो उसे क्या लगेगा कि आप तो निठल्ले हो, कुछ तो करते नहीं हो, आपके पास दूसरा कोई काम नहीं रहता है मुझसे बात करने के अलावा, और ऐसे में वो आपको याद भी नहीं करेगा। गाइस मैं आपको बता दूं, कोई इंसान किसी को तभी याद करता है जब रिलेशनशिप में थोड़ी सी दूरियां होती है। अब गाइस थोड़ी सी दूरियां का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से दूरी बना लो, अगर आप एकदम से दूरी बना लेंगे तो ऐसे में फिर ईगो बीच में आ जाएगा कि पहले कौन बात करेगा, और इस चक्कर में रिलेशनशिप खराब भी हो सकते हैं। सो गाइस आपको ज्यादा दूरियां नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी दूरियां बनानी है ताकि उसे ये फील होना चाहिए कि आप उससे थोड़ा सा दूर हो, तभी वो आपको मिस करेगा या मिस करेगी। सो गाइस पॉइंट नंबर 3, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको हमेशा मिस करे तो ऐसे में गाइस आप कहीं भी जाएं तो आप अपनी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कराएं और गाइस उसे भेजते रहें। गाइस अगर आप उसे अपने फोटोज सेंड करेंगे तो ऐसे में जब वो बंदी फ्री बैठेगी तो वो आपकी फोटोज देखेगी और आपको बहुत ज्यादा मिस करेगी। अगर आप दोनों के बीच कभी झगड़े हो जाएं तो ऐसे में भी वो जब आपकी फोटोज देखेगी तो वो आपको बहुत ज्यादा मिस करेगी। सो गाइस आप उसे अपनी फोटोज भेजते रहें। सो गाइस पॉइंट नंबर 4, गाइस आप एक ही ब्रांड के परफ्यूम को हमेशा यूज करो। अगर आप एक ही ब्रांड के परफ्यूम को हमेशा यूज करोगे तो ऐसे में आप उस बंदी से जब भी मिलोगे तो आपकी बॉडी से बस एक ही सेंट उसे मिलेंगी, जिससे कि आपको ये बेनिफिट होगा, भगवान ना करे आप दोनों कभी अलग हो जाएं तो उस बंदी को जब भी आपका वाला परफ्यूम का सेंट मिलेगा कहीं तो वो आपको जरूर मिस करेगी। सो गाइस पॉइंट नंबर 5 एंड हमारा फाइनल पॉइंट, गाइस आज के युग में सोशल मीडिया का यूज तो हर कोई करता है। गाइस अगर आपकी और आपकी बंदी की कभी लड़ाई हो जाती है तो ऐसे में आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बंदी आपको बहुत ज्यादा मिस करने लगेगी। गाइस सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम या फेसबुक तो आप यूज करते ही होंगे, और गाइस अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करते हैं तो आपका इंस्टा और फेसबुक आपकी बंदी जरूर चेक करती होगी। तो जब भी आप दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपने हैप्पी वाले पिक्चर शेयर
शेयर करें। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जब भी आपकी बंदी उन पिक्चर्स को देखेगी तो वो आपकी तरफ खींची चली आएगी। यकीन मानो वो आपकी तरफ खींची चली आएगी मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि उसने एक्सपेक्ट किसी और चीज पे किया था और आप कुछ कर अलग रहे हैं। तो गाइस ऐसे में होता क्या है, वो बंदी सोच रही थी कि अगर आप दोनों के बीच कभी लड़ाई हो जाए तो फिर आप रोते रहोगे, उसके पीछे आओगे, उसे मनाओगे, लेकिन आप यहाँ पे तो कर कुछ अलग ही रहे हैं। तो ऐसे में उस बंदी के मन में एक डर बैठ जाएगा कि मैं कहीं इस बंदे को खो ना दूं अगर वो आपसे सच्चा प्यार करेगी तो। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो उसे ये फील होगा कि मेरे रहने या ना रहने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से वो बंदी आपकी तरफ खींची चले आएगी। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, आप इनमें से किसी भी ट्रिक को ओवर ट्राई ना करें, वरना फिर आपके रिलेशन के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो पे एक लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते रहिए हटलेस, मैं हूं हटलेस भाई करण, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।